नैनीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 350 ग्राम स्मैक की बड़ी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूछताछ करने पर तस्करों ने बताया वो बरेली से स्मैक लाकर हल्द्वानी सप्लाई करते थे। फिलहाल शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है आज। इसमें एसओजी के लोग और कोतवाली हल्द्वानी के मल्टीपल सीओ से भी हल्द्वानी के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 350 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। ये अभी तक की सबसे बड़ी क्वांटिटी है। इन दो अभियुक्तों के पास क्रमशः 237 और 112 ग्राम इंडिविजुअली पकड़ी गई है। दो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।